नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से स्काई राइडर के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि स्काई राइडर आप लोग के लिए हर तरह का ई व्हीकल्स लेकर के आ रहा है, तो दोस्तों उसी टाइप में आज हमारे पास एक बहुत ही खास गाड़ी है और बहुत ही अलग गाड़ी है। इसे बहुत जबरदस्त ढंग से डिजाइन किया गया और इसे इस तरह डिजाइन किया गया ताकि ये एक गाड़ी बहुत सारे काम को पूरा कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, इस गाड़ी को कौन खरीद सकता है और ये गाड़ी क्या क्या काम कर सकता है और कैसे आप अपने बिजनेस में इसे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और जानते हैं इस गाड़ी के बारे में हर एक चीज पूरे अच्छे से। दोस्तों, इस गाड़ी में स्टीयरिंग सिस्टम दिया गया है। वहीं स्टीयरिंग का बात किया जाए तो छोटा सा स्टीयरिंग है और काफ़ी ही कंफर्टेबल है, जिससे आप इसे आसानी से चला सकते हैं। और वहीं बात किया जाए तो ये एक सिस्टम देखने को मिलेगा जिसमें आपको डीपर, हॉर्न, लाइट और इंडिकेटर का सिस्टम दिया गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस गाड़ी में रिवर्स सिस्टम है जो कि यहीं इसी सिस्टम के थ्रू काम करता है। यानी कि रिवर्स होने से आपके पास ये फायदा है कि इस गाड़ी को पीछे करने के लिए आपको कोई भी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक दोस्तों, नीचे देखते हैं तो हमारे पास प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है। के जानकारी के लिए बता दूं कि इस गाड़ी का नाम इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि इस गाड़ी का यूज कहाँ हो सकता है, तो एक डिलीवरी वैन का यूज कहाँ हो सकता है आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं बता दूं कि इस गाड़ी का यूज किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में, या किसी भी कॉलेज, हॉस्टल, या किसी भी सरकारी कार्यालय, या वहाँ पे जहाँ गोडाउन हो, या वहाँ जो कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता हो वहाँ पे इस गाड़ी का यूज होता है, या कि कोई भी सामान हो जिसे आप एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जा रहे उस जगह पे डिलीवरी वैन का यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में। देता है और ये स्काई राइडर आपको स्पेशली पार्किंग ब्रेक देता है। तो इसका काम यह है कि गाड़ी आप कहीं भी खड़ा करते हैं उस जगह पे आप पार्किंग ब्रेक लगा करके अपने गाड़ी को फ्री होकर छोड़ सकते हैं। गाड़ी आपका एक इंच, स्काई राइडर जो भी गाड़ी बनाती है उसमें दो वेरिएंट में गाड़ी बनता है, एक लेड एसिड और एक लिथियम। तो लिथियम में क्या होता है कि ये 2 से 3 घंटे में चार्ज हो जाएगा और 90 किलोमीटर का बैकअप देगा। और लेड एसिड में क्या होता है कि वो 5 से 6 घंटे में चार्ज होगा और वो 90 किलोमीटर का वो भी बैकअप देता है। दोस्तों, फ़र्क इतना ही कि इसमें थोड़ा प्राइस का फ़र्क होता है और चार्जिंग टाइम का फ़र्क होता है। वहीं बैटरी का बात किया जाए तो इस डिलीवरी वैन में लिथियम बैटरी लगा हुआ है। और दोस्तों आपको बता दिया जाए कि एक कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी हो उसमें जो मेन रोल होता है उसके बैटरी का होता है, यानी कि उसका पूरा पावर उस पर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस गाड़ी में जो बैटरी है वो लिथियम बैटरी है, यानी कि 48 वोल्ट का बैटरी है जो 2 से 3 घंटे में चार्ज हो जाता है और वहीं आपको 90 किलोमीटर का बैकअप देता है। तो दोस्तों, वहीं स्पेस का बात किया जाए तो इस डिलीवरी वैन में बहुत ही बड़ा सा स्पेस दिया गया, यानी कि एक बॉक्स जैसा दिया गया जिसमें आपका जो भी सामान है वो बहुत ही सेफ रहेगा और आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बड़ा सा बॉक्स सामने दिख रहा है जो कि बहुत ही बड़ा है, यानी कि इसमें 450 से लेकर 600 kg तक का सामान आप आसानी से रख सकते हैं। और वहीं साइड में देखा जाए तो जो इसमें जो स्पेस है उसके आधे में दोस्तों एक रैक देखने को मिलेगा जिसमें आप आसानी से जो भी, यानी कि जो डब्बा हो या पैकेट हो, वो सामान आप इधर आसानी से रख सकते हैं, जो कहीं इधर से उधर नीचे ऊपर गिरने का कोई चांस ही नहीं है। और स्पेस के हिसाब से दोस्तों बात किया जाए तो इस गाड़ी में ये जितना छोटा सा गाड़ी है उसके हिसाब से बहुत ही बड़ा स्पेस बनाकर दिया गया आपको। स्काई राइडर के अंदर यही खासियत है कि ये छोटे से डिजाइन में बहुत बड़ा सा स्पेस बना करके आपको देता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इस डिलीवरी वैन का यूज कहाँ होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि इसका यूज रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और साथ ही साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो आपका होता है कॉरपोरेट और जो सरकारी कार्यालय वहाँ, और बहुत सारा जैसे गोडाउन हुआ, जैसे आपका छोटा सा फार्म हाउस हुआ, जैसे एयरपोर्ट, और जैसे बात किया जाए तो खेल का मैदान, जो भी ग्राउंड होता है उधर आप इसका आसानी से यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका अगर छोटा सा बिजनेस हो उस बिजनेस में आप अपने सामान का सप्लाई करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई जैसे कि कंस्ट्रक्शन में आपका कोई काम चल रहा है वहाँ भी छोटा छोटा सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इसका यूज कर सकते हैं। इसका हॉस्टल में यूज होगा, इसका कहीं भी बड़ा सा
होटल है, होटल में यूज होगा, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में यूज होगा, आपका जो बोलते हैं ये जो खेत, किसान लोग अपने खेत में इसका यूज कर सकते हैं, और साथ ही में इसका यूज जहाँ भी बड़ा सा ये जो देखने को मिलता है पार्क, उस पार्क के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो वहीं सीट के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों सीट लेदर फिनिश में है जो कि ब्लैक कलर में है, और वहीं ड्राइवर के साथ इस सीट को ऐसा बनाया गया कि ड्राइवर के साथ एक लोग और बैठे, यानी कि जो आपका हेल्पर है वो आपके साथ बैठ सकता है, जो आपका जो भी सामान उतारना हो या रखना हो जिसमें वो आपका साथ देगा। और वहीं बात किया जाए ये हेडलाइट का, तो दोस्तों ये जो लाइट है वो एलईडी में है, ये दोस्तों मिडल में इसका मेन हेडलाइट है, और ये जो साइड में है ये ऑटोमेटिक है, यानी कि ये लाइट आपको हमेशा जलते हुए दिखेगा, इसका कंट्रोल कोई बटन से नहीं है। और वहीं बात किया जाए टायर का, तो दोस्तों इस गाड़ी में जो टायर है ये काफ़ी ही हैवी टायर है, और थोड़ा सा मोटा टायर दिया गया ताकि आसानी से जो ये ऑफ रोडिंग होता है उसमें आसानी से ये टायर अच्छे ढंग से काम करे और गाड़ी कहीं भी स्लिप ना करे। इसका ग्रिप बहुत ही अच्छा है, और इस हिसाब से दोस्तों हम लोग देख चुके ऑफ रोडिंग करके देख चुके इस गाड़ी को, तो ये ऑफ रोडिंग में बहुत ही सक्सेसफुल गाड़ी है।